हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदेव विद नॉलेज। चकदेव विद नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। 2 दिन की स्ट्राइक आने वाली है, ऐसे में सभी को कंफ्यूजन रहता है कि स्ट्राइक से उनके पेंशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यूनियन ने इसको क्लेरिफाई किया है, नया सर्कुलर जारी किया है। नाउ यू कैन सी दिस सर्कुलर ऑन योर स्क्रीन। दैट सर्कुलर डेट इज 24th of March 2022। फर्स्ट वी विल डिस्कस इन इंग्लिश, देन वी विल टेल इन हिंदी। सब्जेक्ट ऑफ द सर्कुलर इज क्लेरिफिकेशन। पेंशन विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन स्ट्राइक ड्यूरिंग लास्ट 10 months ऑफ सर्विस। सो दिस इज क्लियर फ्रॉम द सब्जेक्ट दैट देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन योर पेंशन इफ यू विल गो ऑन स्ट्राइक ड्यूरिंग लास्ट 10 months। सम यूनिट्स हैव रेफर्ड द मैटर टू अस रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑन पेंशन ड्यू टू डिडक्शन ऑफ 2 days सैलरी ऑन अकाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्ट्राइक, पर्टिकुलरली फॉर द एम्प्लॉयज हु आर ड्यू टू रिटायरमेंट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। दिस इज टू क्लेरिफाई दैट IBA हैज ऑलरेडी क्लेरिफाइड दैट पार्टिसिपेशन स्ट्राइक During the last 10 months before retirement will not affect employees' pension. The average amount for the purpose of arriving at pension payable in such cases shall be calculated as given under Regulation 38(4) of Bank Employees Pension 1995. If it will be calculated on the basis of Regulation 38(4), then we have to know about 34 also. So Regulation 38(4) provides that if there is any loss of pay during the last 10 months, then emoluments of equal number of days before such 10 months shall be added to arrive at the average emolument to work out pension. Hence, in effect, there would be no reduction in the pension eligibility on account of participation इन स्ट्राइक ड्यूरिंग द लास्ट 10 months ऑफ सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय। यानी कि यूनियन को रेफर किया गया था कि लास्ट के 10 महीनों में अगर कोई व्यक्ति जाता है स्ट्राइक के पास, क्योंकि स्ट्राइक आने वाली है 2 दिन की, तो उसकी पेंशन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यूनियन ने यहाँ फिर से क्लेरिफाई किया है कि उसकी पेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेंशन रेगुलेशन में जो रेगुलेशन 38(4) होता है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होती है, और जितने भी दिन आप पेंशन आप स्ट्राइक पर जाते हैं वो ऑलरेडी जुड़ जाते हैं, जिससे कि फाइनली जो इम्पैक्ट होता है आपकी पेंशन पर वो नील रहता है। आपको जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही मिलेगी। तो आप स्ट्राइक पर बिना किसी संदेह के जा सकते हैं। और ये IBA का क्लेरिफिकेशन है, यानी कि यूनियन ने जो रेफर लिया है वो किया है रेफर IBA के सर्कुलर्स को। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने खुद के चैनल को लास्ट में कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए क्लिक, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।